हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम यहाँ पर पर्यावरण में एक स्नेक को रिलीज करने के लिए आए हैं, आज़ाद करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं ये स्नेक कौन सा है, कॉमन ट्रिंकेट स्नेक। इसको इंडिया में कॉमन ट्रिंकेट स्नेक नाम से जाना जाता है। जब इसको सामने से छेड़ा जाता है तब ये काट लेते हैं, देखिए इस तरह। जब इसको सामने से छेड़ा जाता है तब ये काट लेते हैं, इसको जब खतरा लगता है तभी वो काट लेते हैं। लेकिन ये विषहीन है, नॉन वेनमस है, ये पूरा बिना जहर वाला है। तो लोग इसको जहरीला समझकर मार देते हैं दोस्तों। इसका स्पेशली वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये सांप अपने घरों के आसपास घरों में ज़्यादा मिलते हैं। क्या होता है, अपने घरों के आसपास घरों में ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मैं इसका वीडियो स्पेशल बनाना समझा। आप इसको ध्यान से देखिए, ये बिना जहर वाला है। महाराष्ट्र में इसे तस्कर नाम से जानते हैं और इंडिया में कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, ठीक है, इंडिया में इसको इंग्लिश नाम से जाना जाता है, कॉमन ट्रिंकेट स्नेक। तो देखिए आप, उसका मुंह कैसा है, और सांपों की तरह नहीं है, मुंह जो है लंबा है, ठीक है। और गर्दन से लेकर बीच तक हमें चॉकलेटी, हल्के से सफ़ेद, हल्के से पीले कलर में चेक्स दिखाई देते हैं, वो भी धुंधले हुए। फिर एक बार बोल रहा हूँ, गर्दन से लेकर बीच तक, यहाँ तक चॉकलेटी, हल्के से पीले, हल्के से काले, हल्के से सफ़ेद कलर में चेक्स दिखाई देते हैं, वो भी धुंधले हुए। और यहाँ से लेकर पूंछ की नोक तक आप देख सकते हैं चॉकलेटी कलर में एक साइड से पट्टा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इधर से भी वही पट्टा है, देखिए नीचे से हल्का सा काला और सब पूरा सफ़ेद होता है। तो इसका नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, कॉमन ट्रिंकेट स्नेक। ऊपरी भाग पर आप देख सकते हैं, ऊपर यहाँ से दो लाइनिंग दिखाई देती, काली यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। मुंह लंबा होता है उसका, इसलिए ये सांप जो है आसान है समझने में। उसका मुंह जो है लंबा होता है, इसकी वजह से सांप जल्दी पहचाना जाता है। तो ऐसा सांप जो है आपके घर के आसपास दिखाई देता है तो उसको ना मारे, क्योंकि ये बिना जहर वाला है। और दोस्तों, पकड़ने की भी कोशिश ना करें, क्या पकड़ने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप अगर सांप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको ज़रूर काट लेगा। क्योंकि कोई भी सांप हो, बिना जहर वाला हो, जहर वाला हो, खुद के बचाव के लिए काटता ही है। अगर बिना जहर वाला हो उसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं सकता। उसके दांत जो है अपने शरीर में टूट जाते हैं, उसके कुछ दिनों बाद वहाँ पर बड़ा सा घाव हो सकता है, या फिर गंभीर बीमारी के शिकार भी हो सकते हो आप, क्योंकि ये कुछ भी खा जाता है, चूहा, मेंढक जो है वो खा जाते हैं। उसके दांत जो है हमारे शरीर में टूटने के बाद कुछ दिनों बाद वहाँ पर पॉइजन हो जाता है। इसलिए हमने बिना जहर वाला सांप भी हो तो पकड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपने प्रोफेशनली ट्रेनिंग लिया है, किसी स्नेक कैचर के पास एक साल तक सीखे हो, स्टडी किया है, पूरी जानकारी आप इसके बारे में ले लिए, तब भी आप सांप को हैंडलिंग करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आज़ाद कर देंगे। मैं नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में इसे तस्कर नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे इंडिया में कॉमन ट्रिंकेट स्नेक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको आज़ाद कर देते हैं। एक और बात दोस्तों, इसका आज़ाद करते बोलना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह स्नेक के बारे में जानकारी जानना चाहते हो, इसी तरह अगर आप सांपों के बारे में जानकारी जानना चाहते हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनके लिए क्या करना है, इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब नाम का बटन होगा, उसे दबाना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम इसको आज़ाद कर देते हैं। तो दोस्तों, चला जाएगा अपने रास्ते, हम भी चलते हैं और स्नेक रेस्क्यू करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।